नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ अभी। शहडोल जिले के धनपुरी में नालियों में बिलबिलाती गंदगी और कीड़े स्वच्छता अभियान की पोल खुल रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान पर की गई लापरवाही उजागर हो रही है। स्वच्छता अभियान के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकार धनराशि उपलब्ध करा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्वच्छता अभियान की कहानी बहुत ही लापरवाहीपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना है। नगरपालिका प्रशासन को नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि रहवासियों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सके। क्या है? केस गौतम। ये जो कचड़ों का जो अंबार लगा हुआ गाजर घास, इससे जो संक्रमण फैल रहा है, या इसके विषय में आपने नगरपालिका में शिकायत दिया? हाँ, नगरपालिका में शिकायत किए है और सुपरवाइजर को भी यहाँ 10 बार बोले। तो यहाँ कौन भैया सुपरवाइजर? शारदा। पूरा नाम क्या है उनका? शारदा, आगे क्या लिखता है ये नहीं मेरे। ये नगर पालिका धनपुरी नगर पालिका का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सफाई के पूरे सुपरवाइजर का काम करते हैं इस एरिया का, 3 नंबर का सफाई। आपने कितने बार बताया उनको? कम से कम 10 बार बताया। आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया? आज तक उसने ध्यान नहीं दिया, 2 महीने हो गए। आप इसी वार्ड के निवासी? क्या मोहल्ला बोलते हैं इसको? ये वार्ड नंबर 11 सफाई नंबर 2। अच्छा, नगर पालिका धनपुरी में आता है? नगर पालिका धनपुरी में। ठीक है। खबर 29 शहडोल जिले में स्थित पुरानी बस्ती धनपुरी के सौरभ सदन में गौरव तिवारी ने रुद्राभिषेक किया, जिन्हें पंडित दीपक शास्त्री द्वारा अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाया गया। तत्पश्चात हवन संपन्न कराया गया और पंडित दीपक शास्त्री ने महादेव का श्रृंगार किया।